नमस्कार, स्वागत है आपका डेली डायरी न्यूज में। हरियाणा सरकार के घूंघट का जवाब दिया है टीवी एंकर प्रतिमा ने। जी हाँ, हरियाणा के टीवी चैनल के एंकर का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खासा वायरल हो रहा है। इसमें एंकर प्रतिमा ने घूंघट डालकर न्यूज पढ़ी है। दरअसल कुछ दिनों पहले ही हरियाणा सरकार की ओर से एक विज्ञापन जारी हुआ था, जिसमें लिखा था, घूंघट की आन बान मारी हरियाणा की पहचान। प्रतिमा ने सरकार की इस धारणा का नायाब तरीके से विरोध किया है। उसने न्यूज प्रोग्राम में कहा कि इस घूंघट से कुछ भी देख पाना बेहद मुश्किल है। ये एक मजबूरी है, शान और पहचान नहीं, एक बेड़ी है। प्रतिमा ने आगे सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि जो घूंघट बेटियों की मजबूरी है, जिसे पहनने के लिए उन्हें मजबूर किया जाता है, भला उसे हरियाणा सरकार आन बान शान कैसे बता सकती है। इससे पहले हरियाणा की रेसलर गीता फोगाट ने भी हरियाणा सरकार के इसी विज्ञापन का विरोध किया था। गीता ने इसे उस मानसिकता का उपज बताया था, जिसकी वजह से लड़कियों को आगे आने का मौका नहीं मिल पाता है।